हेलो जी नमस्कार। सर्दियों में भुना हुआ और तंदूरी रेसिपी सबको पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन का एक तंदूरी रेसिपी जिसका नाम है तंदूरी चिकन। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होगा और बनाने में भी उतना आसान होगा। ये रेसिपी अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में दही 2 चम्मच लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच लेंगे, धनिया पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच लेंगे, भुना हुआ चना का बेसन 1 चम्मच लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, चिकन मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से और सरसों का तेल 1 चम्मच लेके अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए मसाला का एक अच्छा थिक बैटर बन चुका है। अभी इंट्रोड्यूस करेंगे चिकन को। मैं यहाँ 450 ग्राम का 2 चिकन लेग पीस लिया हूँ और जिसमें कट मार्क लगा दिया हूँ। दोनों लेग पीस को मसाले में अच्छे से मिला देंगे और चारों तरफ लगा देंगे। देखिए दोनों चिकन पीसेस जो है मसाले में अच्छे से लग चुका है और एक मसाला का लेयर भी आ गया है। अभी इसे कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। देखिए मैरिनेशन के बाद चिकन के ऊपर एक अच्छा सा लेयर बन गया है। ये जो प्रोसेस है तंदूरी चिकन को बनाएगा और ज़्यादा स्वादिष्ट। इसे अभी ओवन के हाई रेक स्टैंड में रखेंगे क्योंकि हम इसे ग्रिल करने वाले हैं। इसमें मेल्टेड बटर लगा के चलिए ग्रिल करते हैं। मैं पहले से ओवन को प्री हीट में लगा दिया था। अभी ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्री हीट कैसे होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओवन के अंदर हाई रेक स्टैंड को रख के हम ग्रिल करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ग्रिल मोड को और टाइम सेट करेंगे 50 मिनट। एक साइड 25 मिनट ग्रिल करेंगे और दूसरे साइड को 25 मिनट ग्रिल करेंगे। यहाँ देखिए हमारा 25 मिनट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे सही से ग्रिल्ड हुआ है कि नहीं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिल्ड हो गया है। कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुना हुआ है। ये देखिए जैसे कि रेस्टोरेंट में और मार्केट में भुना हुआ रोस्टेड चिकन मिलता है, उसी तरह ये दिख रहा है और अच्छा भी लगेगा आपको। चलिए दोनों साइड में एक बार और बटर लगा के दूसरा साइड जो है ग्रिल्ड करेंगे। अभी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 25 मिनट हमारा सेट हो चुका है। इसको स्टार्ट करना है और वेट करना है 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद ये हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा और 30 सेकंड बाकी है। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। यहाँ देखिए पूरा 50 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको निकालते हैं। ये देखिए आ गया बाजार जैसा तंदूरी चिकन। यकीन मानिए ये जो रेसिपी था बहुत टेस्टी था। चलिए इसको एक प्लेट में निकाल के गार्निशिंग कर देते हैं थोड़ा धनिया प्याज और नींबू के साथ, और साथ में हरी चटनी भी ऐड करेंगे इसमें। आप अगर इसे तंदूरी नान या स्टफ नान के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में धनिया पुदीना का चटनी और रायता के साथ खाएंगे तो और अच्छा टेस्टी लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कैसा था आपका वो रेसिपी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा।